देखिए यहाँ कोरोना जैसी महामारी के बीच बैंड बाजे की धुन में बच्चे और महिलाओं को नाचते हुए यहाँ आज एक शादी समारोह का आयोजन हुआ। इन नन्हे नन्हे बच्चों की जिद के चलते ये आयोजन किया गया। जी हाँ, चौकिए नहीं, यहाँ गुड्डा गुड़िया की शादी करवाई गई। बकायदे बारात भी आई है और बारातियों को खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। हमारे बच्चे जिद करें थे, इसलिए हमने शादी की, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और इसलिए हमने सबने, गांव वालों ने और मोहल्ले वालों ने सब लोग सहयोग दिया, इसलिए हमने बच्चों की शादी, पति पत्नी की शादी रखी है। तो शादी कितने दिन की हुई है? हमारा परसों मंडप था, कल महीनों था, टीका है भाई। अच्छा, टीका है। तो किस प्रकार से शादी मना रहे हैं? धूमधाम से मना रहे भाई, जैसे शादी होती थी। अच्छा अच्छा, तो और बताइए कुछ और खास इस शादी में? बस भैया कोई कुछ खास नहीं है, बस खाना रखेगा, इसके बाद टीका होगा। अच्छा, जिस प्रकार से हकीकत में शादी होती है ठीक उसी प्रकार से होती हो रही भैया हकीकत में शादी। मामला जिले के राज कोतवाली क्षेत्र के ओडेरा गांव का है, जहां पर बच्चों की जिद के आगे कोरोना जैसी महामारी भी फीकी पड़ गई। बच्चों ने जब कुछ नया करने की जिद पकड़ी तो सारे ग्रामीणों को झुकना पड़ा। दरअसल यहां के बच्चों ने गुड्डा गुड़िया की शादी को करवाने की जिद शुरू कर दी। बच्चों ने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच ना तो हम खेल पा रहे हैं और ना ही पढ़ पा रहे हैं, इसलिए अब हम एक ऐसा काम करेंगे जिससे कि चर्चा चारों ओर होगी। बच्चों को समझाने के बाद जब बच्चे नहीं माने तो पूरे ग्राम ने बच्चों का साथ दिया और पूरे रीति रिवाज के साथ लग्न मंडप, फेरे, बराती, ढोल नगाड़े, ताशियों और बरातियों का स्वागत सत्कार भी खूब हुआ। जमकर ग्रामीणों ने ढोल ताशों पर ठुमके लगाए। बकायदे गुड्डे को दूल्हे के रूप में लेकर पहुंचे बरातियों का मिठाई से स्वागत किया गया और टीका भी किया गया। दूल्हों का नाम बता दो। राम मनोहर कार्तिक कार्तिक ले और बिटिया का नाम है बिटिया को पायल। ये कहानी सुनने में जितनी मजेदार है देखने में उससे भी कहीं ज्यादा रिझाने वाली है, क्योंकि इन बच्चों की मनमोहक जिद ने सबका दिल जीत लिया। शादी का ये प्रोग्राम लगातार 3 दिन तक चला और चौथे दिन जाकर ये शादी संपन्न हुई, जिसमें दूल्हे का नाम कार्तिक और दुल्हन गुड़िया का नाम पायल रखा गया था।